हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हर एक इंसान के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है, उसका हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ रहे तो आप लाइफ में हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। और हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट कब होती है, कब अच्छी होती है, जब आपका माइंड स्टेबल हो, जब आपका माइंड काम डाउन हो। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं, तो ये सार जो इससे हम सोचते हैं डिप्रेशन टेंशन, ये हमको कुछ भी नहीं करता, मतलब इससे इससे तो ये तो सबको होता है। नहीं, डिप्रेशन टेंशन जो होता है ना, वो अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है, जैसे हेयर फॉल हुआ, या तो फिर आपको अगर नींद नहीं आएगी तो स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। देन आपको आपकी ईटिंग के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, आप जो खा रहे हैं वो भी आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। देन आपको डायबिटीज, बीपी, ये सब भी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, टेंशन से आपके बीपी ऊपर नीचे हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। तो जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, वो एक डिसऑर्डर होता है, पर वो अपने साथ साथ पीछे 100 डिसऑर्डर को और लेकर आता है, फिजिकल डिसऑर्डर को भी। इसलिए अपने आप को मेंटली स्टेबल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपके हाथ में कहीं चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, पेट में चोट लगी है, तो आप उसको ट्रीटमेंट के जरिए ठीक कर सकते हो। अगर आप और पर अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप कितना भी मतलब काम करोगे या कहीं भी जाओगे, डिप्रेस्ड रहोगे या चिड़चिड़ेपन रहोगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज। तो अगर सबसे पहले आपके अपने लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, जो कि आजकल बहुत कम ही लोग करते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमको अंदर से पीस देने के लिए, हमको अंदर से शांति प्रदान करने के लिए। तो मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हम क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे इजी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, बहुत 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 कम लोग करते हैं। क्योंकि आजकल तो किसी के पास टाइम है ही नहीं ऐसा बोलने का, सबके पास सिर्फ रीजन होता है। आप अगर अपने लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम अपने आप निकल जाता है। बस आप अपने दिल से ठान लीजिए कि मुझे ये काम रोज करना है, लगातार करना है, या हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही करना है, टाइम अपने आप निकल आएगा, टाइम को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आपके माइंड को बहुत ही ज्यादा पीस प्रोवाइड करता है, शांति देता है, एकाग्रता देता है। आपकी जो सोच यहाँ वहाँ भटक रही है, उड़ रही है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको मेडिटेशन एक शांति भरा माहौल प्रदान करती है, आपके अंदर आपके दिल को सुकून प्रोवाइड करती है। तो मेडिटेशन हर एक इंसान को डेफिनेटली करना चाहिए वीक में। अगर वो एवरी डे नहीं कर पाता है तो वीक में 2 या 3 बार तो मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। और हर एक सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए, काम रखना चाहिए। ये नहीं कि झगड़े में हम गालियां दे दिए, मार पिटाई कर ली, या आपके मन में जो भी आया वो बोल दिए। कभी कभी मन की बात को मन में ही रखनी चाहिए, अपनी जुबान तक नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जुबान पे जो बातें आती हैं और वो बातें बोली जाती हैं तो दूसरों को वो बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लग सकती हैं और दूसरों को हर्ट हो सकता है। इसलिए समटाइम्स यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। और ये सब किसके जरिए मिलेगा, आपको मेडिटेशन के जरिए। देन टॉक टू समवन। अगर आपको सच में कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते, तो डेफिनेटली दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, क्योंकि किसी हर एक इंसान के जिंदगी में कोई ना कोई होता है। अगर किसी के पास फ्रेंड नहीं है तो फैमिली तो डेफिनेटली होगी, अगर फैमिली नहीं है तो फ्रेंड्स तो डेफिनेटली होंगे, बट मोस्टली तो सबके पास दोनों ही होते हैं, फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं। तो आपके करीब, सबसे करीब जो भी है ना, अपने प्रॉब्लम के बारे में उससे बात करिए, अपने आपके दिल के अंदर जो भी बातें हैं, आपको लगता है कि हाँ ये इंसान ट्रस्ट स्टेबल है, मैं इस पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूं, तो अपना दिल उसके सामने खोल कर रख सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। क्योंकि बातें करने से, अपनी चीजों को शेयर करने से आपके दिल के अंदर जो दर्द है वो कम भी होता है और धीरे धीरे खत्म भी होता है।
देन स्टे एक्टिव। आपको एक जगह बैठ के मोबाइल चलाते हो, सिर्फ मोबाइल नहीं चलाना चाहिए कि आजकल के लोगों को देखो तो मोबाइल चलाते रहो, गेम खेलते रहो, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ घर में बैठे रहना, सोफे पे बैठे रहना, लेटे रहना, पूरा पूरा दिन ऐसे ही घर में निकल जाता है। भले ही आपके पास कुछ काम नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं या सपोज अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं या जो भी है, आपका वेकेशन चल रहा है, तो वेकेशन का मतलब ये नहीं कि आप घर में सोए पड़े रहे। वेकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को वेकअप करें, अपने अपने अंदर कुछ नए एक्टिविटीज लेकर आए, अपने वेकेशन का पूरा फायदा उठाएं, कुछ नया सीखें, कुछ आगे बढ़े, कुछ नई एक्टिविटी करें, बाहर जाएं, घूमें, फिरें, देखें अपना नेचर, देखें अपना, अपने देश को देखें, यहां वहां जाएं। तो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतना ज्यादा आप डिप्रेशन से, टेंशन से दूर रहेंगे और आपका माइंड बहुत ही ज्यादा फ्रेश रहेगा। देन ईट हेल्दी, बहुत ही ज्यादा अच्छे सामान को खाइए, ये नहीं कि बाहर के खाना ही बंद कर दो, नहीं, यू हैव टू ईट एवरीथिंग बट ईट हेल्दी। अगर आपको वंस इन अ वाइल्ड बाहर के जंक फूड भी खाने तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, एक ही जिंदगी है, आपको जीने का पूरा हक है, तो आप खा सकते हैं, पर ये नहीं कि रोज एवरी डे लगातार बार बार आप बाहर का ही खाएं। बाहर का आप एक हफ्ते महीने में एक आध बार खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली घर का बना खाएं, फ्रूट खाएं, जूस पिए, ईट हेल्दी। उसकी वजह से आपके बॉडी भी हेल्दी होगी, स्किन भी हेल्दी होगी, हेल्थ भी हेल्दी होगी और आपके माइंड भी हेल्दी होगा। स्लीप गुड, आपको सोना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी चार्ज होती है, हमको डिप्रेशन से, टेंशन से रिलीफ मिलता है, तो इसलिए सोना इंपॉर्टेंट है। सोने के एक दो घंटे पहले ही अपने आप से मोबाइल को दूर रख लें, क्योंकि आप अगर मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी देखकर सोएंगे तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। इसलिए सोने से पहले एटलीस्ट आधे घंटे पहले अपने मोबाइल को दूर रखें और उसके बाद सोने जाएं। गेट हेल्प इफ यू नीड इट, अगर आपको हेल्प की सचमुच जरूरत है, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है या जो भी डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको हेल्प लेने से डरना नहीं चाहिए और या उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाट्रिस्ट के पास या किसी भी काउंसलर के पास जा सकते हो, क्योंकि हेल्प लेने से कभी भी ऐसा नहीं कि हम उसके पास जा रहे हैं तो हमको डर लगेगा या शर्म आएगी, हमको लोग क्या कहेंगे कि आए ये पागल हो चुका है, नहीं। नाउअडेज ये प्रॉब्लम सबको होती है, इसलिए अगर आपको हेल्प की सचमुच जरूरत है तो आपको डेफिनेटली वहां पे जाना चाहिए बिना दूसरी बार सोचे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना मेंटल हेल्थ हमेशा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिएगा, काम रखिएगा और अपने लाइफ में खुश रहिएगा। थैंक यू।